हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृतिका शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी के मिसेस पे। आपको पता है नीम की तासीर ठंडी होने की वजह से गर्मियों में नीम का यूज़ करना बेस्ट है। अप्रैल से अगस्त तक नीम की फ्लावरिंग होती है, जिसे हिंदी में कोपले बोला जाता है, और नीम की एक्चुअल यूजफुल प्रॉपर्टीज़ को इस टाइम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस पूरे मंथ में आपके लिए लेकर आने वाली नीम के ऐसे ऐसे होममेड प्रोडक्ट्स जो प्योर तो हैं ही और स्किन के लिए भी बेस्ट हैं। नीम के साथ साथ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मेथी दाना और वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबसे मैं बनाने वाली हूँ नीम का ऑयल, जो बेस्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, इची स्कैल्प के लिए और डैंड्रफ के लिए भी। इस तेल को बनाने के लिए मैंने लिया है मेथी दाना। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया है ओवर नाइट, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिलेंगे इस तरह के दाने। और अब है स्टार इंग्रेडिएंट की बारी, नीम। नीम की लीव्स कुछ ऐसी होनी चाहिए, रेड रेड लीव्स साथ में, और साथ में कुछ कोपले भी। इन पत्तियों का इस्तेमाल करने से पहले आप इन पत्तियों को डंडियों से अलग करके एक बाउल में डाल लें, फिर पानी डालकर इन्हें अच्छे से धो लें जिससे इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। इन पत्तियों को अच्छे से धोकर ब्लेंडर जार में डाल लें और फिर डालें ये सोक किया हुआ मेथी दाना। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। आपको जितना ऑयल बनाना है उसके अकॉर्डिंग नारियल का तेल कढ़ाई में डाल लें और इसे धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर चलाएं। समय आ चुका है इस मिरेकल ग्रीन पेस्ट को इस ऑयल में ऐड करने का। इसे फिर धीरे धीरे ऑयल में डालें। सारा पेस्ट ऑयल में ऐड करने के बाद एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से चलाएं, जिसमें कोई लम्ब्स ना रहें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम पे नीम का पेस्ट जल सकता है। लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मुझे मिल चुका है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर। गैस को बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिक्सचर से ऑयल खुद ही स्प्लिट हो जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा इसे स्ट्रेन करना। ऑयल को निकालने के लिए ग्लास बाउल लें, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखें और स्ट्रेनर की हेल्प से सारे ऑयल को स्ट्रेन कर लें। एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस करें जिससे सारा ऑयल रिलीज हो जाएगा। आपको मिल जाएगा ऐसा ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल ऑयल। इसको स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक का इस तरह का स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप इस ऑयल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप और चीज़ों में भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसे अपने बच्चों के स्किन पे एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के। आप नीम के तेल का दीपक भी घर में जला सकते हैं। नीम के तेल का दीपक जलाने से घर में मच्छर नहीं आते हैं और पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।